गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे आईटेल का और जियो का फ़ोन आया हुआ, दोनों आज मेरे पास यहाँ पे कंपेयर वीडियो होने वाली है। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अच्छा फ़ोन बताएं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन को मैं कंपेयर करने वाला हूँ और मैं बताऊँगा आपको जियो फ़ोन का नया फ़ोन अच्छा है या फिर ओल्ड फ़ोन अच्छा है या फिर आईटेल का जो यहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया हुआ है ये फ़ोन अच्छा है। तो इसमें से आज मैं तीनों बॉक्स को करूँगा अनबॉक्स और आपको दिखाऊँगा कि इनमें से सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा है। अगर आप जियो की सिम चलाना चाहते हो तो भी आज वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि कौन से फ़ोन में आपको जियो सिम डालनी चाहिए और क्या कुछ आपको ऑफर मिलेगा, कितने का रिचार्ज है, कैसे आपको बुक करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये मैं फ़ोन करूंगा कंपेयर करके कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है, आईटेल का फ़ोन लेना चाहिए या फिर जियो का फ़ोन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में अगर आपको अच्छा फ़ोन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्या कुछ इसके अंदर ऑफ़र मिलेगा, कितने का फ़ोन है, कैसे बुक करना है और कौन सा फोन इसमें अच्छा है, कंपेयर करके भी बताने वाले। चलिए शुरू करते हैं। जियो का फोन आया हुआ है जिसे मैं आप अभी अनबॉक्स करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा इसके अंदर हमें क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या फंक्शन मिलते हैं और क्या कुछ हमें ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए गाइस ये दोनों फोनों में आपको दिखाते हैं कौन सा फोन सबसे बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जियो का फोन मेरे पास आया हुआ है, इसके अंदर के आपको फीचर्स बताएंगे। तो यहाँ दूसरा फ़ोन है उसके भी मैं फीचर्स फंक्शन आपको दोनों बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो एक एक करके अभी आपको फ़ोन दिखाते हैं और इसमें सिम डालते हैं, ये देखेंगे कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए। तो आप जियो फ़ोन जियो सिम चलाना चाहते हैं तो भी आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि कौन सा आपको फ़ोन लेना चाहिए, किस में आप अपनी पुरानी सिम चला सकते हैं। तो ये फ़ोन देख सकते हैं जियो का है जिसे मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। इसमें आपको 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है और सामने में आईटेल का मोबाइल है जिसमें हमें 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है। दोनों में एक एक बार बैटरी डालते हैं और आपको अंदर के फंक्शन दिखाते हैं। तो गाइस मैंने इसका कवर हटा दिया है और हमें आपको इसमें बैटरी डालेंगे, जो कि हमारे पास 2000 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल जाती है और इसी तरीके से इसमें भी हमें बैटरी मिलती है। जो पर्पल कलर का फ़ोन हमें मिला हुआ है इसमें भी हमें बैटरी मिल जाती है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल रहा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं जो भी फ़ोन आपको अच्छा हमें अच्छा लगेगा मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आपको वही फ़ोन यहाँ पर लेना है गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन जब तक चालू हो रहा है मैं आपको ये भी दिखाऊँगा, यहाँ पर आईटेल का फ़ोन आया हुआ है, दो कलर में यहाँ पर है, मेरे पास ब्लैक कलर भी इसका आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है, कलर बहुत ही गजब का है। इसमें जो कीपैड की अगर बात करूं तो जियो फ़ोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वाले फ़ोन में हमें हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मैं बात करूं इसके स्लिम बाइज की तो बहुत ही स्लिम बाइज मोबाइल है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जियो फ़ोन काफ़ी मोटा है। और इसमें बैक की अगर बात करूँ तो डिजिटल कैमरा मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, ऊपर के साइड में यहाँ पर एक टॉर्च मिल जाती है और सबसे नीचे के साइड में आपको देख सकते हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक है और LG 3500 का हमें चार्जर मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस इसमें भी एक बार बैटरी डाल देते हैं और आपको जल्दी से दिखाते हैं दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए। तो इसकी बैटरी डालने के लिए हमें इसका सामान निकालना होगा, इसमें हमें क्या मिला ये भी देख लेंगे और साथ में एक सामान भी हम इसमें जो बैटरी निकलेगी वो भी मैं डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमें बुकलेट मिल जाती है और ये यहाँ पर एक यहाँ पर ये जो बुकलेट है और इसके अंदर वारंटी कार्ड भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर एक साल की आपको वारंटी मिल जाएगी। उसके साथ में एक हमें यहाँ पे चार्जर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं LG 3500 का हमें चार्जर मिलता है और एक यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। और ये देख सकते हैं हमें जियो फ़ोन अभी यहाँ पे चालू कर दिया है और ये वाला फ़ोन चालू करना है। तो इसकी मैं एक बार यहाँ से बैटरी निकाल देता हूँ और इस फ़ोन को भी मैं एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी हमने निकाल दी है और ये देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस इसमें एक बार यहाँ से कवर हटाते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दो सिम डालनी है, एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। मेमोरी कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 32 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको मॉडल और ये लिखा हुआ है। मैं आपको ये अगर ये फ़ोन आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाके इस फ़ोन को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये फ़ोन काफ़ी स्लिम बाइज में है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब ये फ़ोन यहाँ से चालू होगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें से हमें फ़ोन कौन सा लेना चाहिए, किस में ज़्यादा फीचर्स हैं और कौन सा हमें फ़ोन अच्छा लगेगा गाइस, ठीक है। तो फंक्शन के साथ साथ बताएंगे और साथ में अगर आप जियो सिम चलाना चाहते हो तो भी आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा। यहाँ देख सकते हैं ये जियो का फ़ोन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। जियो फ़ोन में हमें क्या क्या मिल जाता है देख सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब मिलता है, व्हाट्सअप मिलता है, फेसबुक मिलता है, जियो स्टोर, प्ले स्टोर की जगह हमें जियो स्टोर मिल जाता है गाइस, और व्हाट्सअप मिलेगा, जियो TV है, जियो सिनेमा है और यहाँ पर मैसेज है। और ये आपको मैं और दिखाऊंगा, यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे फेसबुक वगैरह आप इसके अंदर चला सकते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ये सारी चीज़ें आपको चलाने को मिलने वाला है। और आपको मैं और दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जियो कॉलिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है, जियो चैट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट ब्राउजिंग आपको मिलेगा, चाहे आप फेसबुक लॉग इन करें चाहे वो कोई सी चीज़ इसमें लॉग इन कर सकते हैं गाइस।
तो ये फ़ोन में हमें बहुत सारे, जैसे आप देखो मैं यहाँ पे वाईफाई दिखाऊँ, वीडियो कॉलिंग भी इस फ़ोन के अंदर कर सकते हैं, और वाईफाई चलाना है तो वाईफाई, ब्लूटूथ, डेटा ऑन ऑफ का इसमें फंक्शन हमें मिल जाता है, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑडियो जैक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको इसमें भी बताऊँगा इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले साइज बिल्कुल बराबर है, तो गाइस इस फ़ोन के अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या फंक्शन मिल जाते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जियो फ़ोन भी है, इसके पहले आपको फीचर्स बताते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, वॉइस चेंजर है, ऐसे सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं किंग वॉइस से लेकर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पर किंग वॉइस मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, और यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजिंग मिल जाता है। अगर जैसे फेसबुक वगैरह लॉग इन करना चाहते हैं तो आप इसमें भी फेसबुक वगैरह लॉग इन कर सकते, वाइब्रेटर है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, पावर सेविंग मोड है, और 1000 कॉन्टैक्ट इसमें सेव कर सकते हैं, 32 GB की मेमोरी कार्ड है, वायरलेस FM मिल जाता है, किंग वॉइस का ऑप्शन इसमें यहाँ पे हमें लास्ट में दिया हुआ है गाइस, ठीक है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ में सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम वगैरह जैसे खेलना चाहते हैं तो आप गेम वगैरह इसके अंदर खेल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन के अंदर के आपको फीचर्स, जैसे देखो यहाँ पे टॉर्च FM रेडियो स्लिम वाइज फ़ोन है, अगर आप ये लेते हैं तो इसमें 2 SIM आपको डालने को मिलेगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस चेंजर मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको जो मैंने ये फ़ोन दिखाया, तो गाइस ये कंपेयर वीडियो थी, तो मैं आपको ये बताऊँगा कौन सा आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको फ़ोन जैसे लेना है तो ये देखो बहुत ही सस्ता फ़ोन है आईटेल वाला, जो कि जियो का भी फ़ोन सस्ता होता है, जैसे कि अगर आप जियो सिम डालना चाहते हैं तो जियो का नया फ़ोन भी आता है, मैं आपको बताऊँ जियो का नया फ़ोन भी आ गया, जियो का भारत V2 4G नाम से है, और इससे भी सस्ता आता है, इन दोनों फ़ोनों से सस्ता एक फ़ोन मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, जियो का भारत V2 4G नाम से है, जो 999 रुपये में फ़ोन आता है, और इसके अंदर आपको मैं बताऊँगा कि 999 रुपये में आपको मिलता है 1 साल का 4 महीने का रिचार्ज फ्री गाइस, ठीक है। तो ये 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलता है, 999 रुपये का फ़ोन है, और इसमें आपको 2 FRC कितने की करानी ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसमें की फ़ीचर्स बता दूँ, कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स है, इंटरनेट ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, और यहाँ पर HD वॉइस कॉल भी लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर जियो सिनेमा है, जियो सावन है, जियो TV है, जियो म्यूजिक है, UPI पेमेंट भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो 2 महीने यानी कि 234 का आपको रिचार्ज FRC कराना है, अपनी पुरानी जियो की सिम, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना फ़ोन है उसकी सिम भी आप इसमें डाल सकते हैं, जियो भारत V2 में, जो 999 रुपये का फ़ोन है। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस फ़ोन को आप परचेज कर सकते हैं, और इन तीनों फ़ोनों का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो ऑफ़र बताया इसमें 999 यानी देख सकते हैं इसमें 1999 रुपये इसकी MRP है, लेकिन ये 999 रुपये का फ़ोन आता है, जियो का भारत V2 4G नाम से फ़ोन है, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके इस फ़ोन को आप परचेज कर सकते हैं। और ये वाला जो फ़ोन है ये 1299 रुपये का आता है, ये वाला फ़ोन आता है 1500 रुपये का, लेकिन ये रिफर्बिश मोबाइल आता है, ये रिफर्बिश मतलब होता है पुराना गाइस, ठीक है। तो अभी आपको जो ख़रीदना है वो आप ये वाला ख़रीदना है, इसमें आप पुरानी जियो की सिम भी डाल सकते हैं, 123 रुपये का रिचार्ज आपको हर महीने करवाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके इसे परचेज करें। जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट आप जरूर करना, और बाकी सब्सक्राइब करके जाना।